हम बसना के पावन धरा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो यात्रा पर आप निकले हैं इसका क्या उद्देश्य है? अरे मेरा उड़ीसा में झारसीगुड़ा में आज सभा थी, तो फिर नज़दीक रायपुर पड़ता है क्योंकि भुवनेश्वर तो वहाँ से 450 किलोमीटर था, तो इसलिए रायपुर जाने के लिए निकला। तो सब कार्यकर्ता ने आग्रह किया कि गाड़ी अंदर से ले लो। तो ये जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा चला था, अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, तो राम मंदिर के मुद्दे को और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप क्या बोलना चाहिए? मंदिर के नाम पर वोट मांगे और अब तक मंदिर नहीं बनाया, न मंदिर बनाया न किसानों का कर्ज माफ किया, इसलिए छत्तीसगढ़ में हार गए। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या आप आगे चुनावी प्रक्रिया? जो मंदिर नहीं बनाएगा, किसानों की चिंता नहीं करेगा, युवाओं का रोजगार नहीं देगा, वह चुनाव नहीं जीतेगा। तो क्या आने वाले समय में आपका चुनावी मुद्दा राम मंदिर होगा? हमारा चुनावी मुद्दा किसानों को कर्ज मुक्त, युवाओं को रोजगार, राम मंदिर, तीनों होगा जी। तो कांग्रेस ने यहाँ पर कर्ज माफ कर दिया है, अच्छा किया, पूरे देश में होना चाहिए ना। तो छत्तीसगढ़ में आपके क्या मुद्दे होंगे? अरे पूरे देश में एक ही मुद्दे है, किसानों को कर्ज मुक्त करना और आगे भी कर्ज ना हो इनकी चिंता करना, इसलिए उनको फसल के दाम देना। अब 2500 रुपया क्विंटल धान के देने पड़ेंगे। चल ये जो तोगड़िया जी का आज यहाँ पर आगमन हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तोगड़िया जी का आगमन किसानों के हित के बारे में है, किसान अच्छे से अच्छा कमा सकें, अच्छे से अच्छा उनका कर्ज जो हो जा रहा है किसानों की तरफ, जो लोग उनको लूट लूट कर ब्याज के पैसे चलाकर लोगों को लूट रहे हैं, वो ना लूटें, किसान खुद इससे सक्षम हो, उनके पास पैसा हो और वो अपनी खेती आसानी से कर सके। और एक मुद्दा जो हमारा राम मंदिर वाला है, उसके लिए भी तोगड़िया जी का बहुत बड़ा चारों तरफ दौड़ दौड़ के मतलब वो जा रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हम राम मंदिर को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम किसानों को प्राथमिकता देंगे और किसानों को आगे बढ़ाने का कहना। जो किसानों की पार्टी आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी ने बनाया है, अभी छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कांग्रेस की सरकार कर चुकी है, तो प्रवीण तोगड़िया जी के चुनावी मुद्दे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होंगे? हाँ, कांग्रेस कर रही है कर्ज माफ दिख रहा है, बाकी कुछ ही जगह पे हो रहा है। मैं सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही कर्ज माफ होना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में राम मंदिर बनेगा? प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में नहीं, अभी प्रवीण तोगड़िया जी कोई सरकार नहीं है। प्रवीण तोगड़िया जी अपने संगठन हिंदू संगठन को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, उन्होंने कहा है संगठन को एकदम ले जाके आगे बढ़ाओ और संगठन को आगे बढ़ाकर राम मंदिर का निर्माण करो।